21 नवंबर विश्व मछुआ दिवस पर रैली आयोजित थी, प्रधानमंत्री की वजह से टल गया था। वो केवल मछुआ समुदाय की रैली थी और माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को रमादेवी अम्बेडकर में, और माननीय योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। ज़्यादातर उसमें मछुआ समुदाय के लोग रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके कुछ लोग रहेंगे। ये खाली निषाद पार्टी की रैली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। कौन कौन रहेगा सर मंच पर? निश्चित रूप से अभी तो अमित शाह जी ने टाइम दिया और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो रहेंगे, उसके बाद प्रधान जी भी रहेंगे और बड़े बड़े नेता भी रहेंगे। हमारे समुदाय के भी बड़े बड़े नेता, चाहे वो कुछ भी किसी सामाजिक संगठन के, और प्रदेशों से नेता आ रहे हैं और निश्चित मंच पर जो मांगे जो वहाँ रखी जाएंगी। निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी, जब मैं पेशे चिकित्सक था, मैं पार्टी में राजनीति में नहीं था, उससे पहले वकील थे हमारे और सड़क से सदन तक हमारी वकालत करते रहे हैं। आज वो जज हैं, भारतीय जनता पार्टी जज है, हम लोग वकील हैं, हमारे लोग मुक्किल हैं। तो निश्चित रूप से मछुआ समुदाय बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, और इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, तालघाट नदी हैं, मुकदमे हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं जो पिछली सरकारों ने 70 साल से 70 गुना उलझा दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी सुलझा कर उन्हें उस दिन सौगात देगी।